वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज सीक्रेट्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि ज़मीन कैसे बनाई जाती है बुवाई से पहले। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रैक्टर के साथ ज़मीन बन रही है। मैं आगे आपको सब बताऊंगा कैसे बन रही है। मैं आपको ज़मीन चेक करा दूँ किस तरह। ये बिल्कुल देख सकते हैं नरम हुई पड़ी है ज़मीन। नरम करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें दुखती है ऊपर, और इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि इसमें पानी आसानी से जाता है। देख सकते हैं कैसे कौवे और ये अखा वगैरह यहाँ पे हैं, पीछे से बीज उठा रहे हैं, मतलब जो फसल अभी यहाँ पे तिल थे पहले। किस तरह से नरम ज़मीन हुई पड़ी है जिसमें इसको रूटावेटर कहते हैं। रूटर चल रहा है और ये कुतर रहा है इस ज़मीन को, बारीक बारीक कर रहा है, काट रहा है इसको, ताकि ये ठीक तरीके से ज़मीन बन जाए, इसके अंदर बुआई अच्छी तरह से हो सके और फसल जो निकले वो ज़्यादा पैदावार वाली अच्छी निकले। इसका मकसद ये होता है। और आप देख सकते हैं सामने मेरे वो ट्रैक्टर, अभी वो वापस आएगा वहाँ से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कैसे इसको एक तरीके के तहत, एक मेथड के तहत ये हो रहा है। एक लाइन में ये चल रहा है, ये दूसरी लाइन है जी, आगे तीसरी लाइन आ जाती है, वो चौथी, वो पांचवी, इस तरह से लाइनों के अंदर ये इस ज़मीन के हिस्से करके उसके ऊपर ये चलाया जा रहा है। क्योंकि जो ट्रैक्टर होता है वो ज़मीन से काफ़ी छोटा होता है, उसके पीछे जो रूटर बंधा हुआ है उससे भी छोटा है। इसका फ़ायदा फिर ये होता है इसी तरह से। और भी वो ट्रैक्टर पीछे को मुड़ चुका है, अभी आगे आ रहा है आगे। और ये देखें अभी वो इस लाइन में आएगा, फिर यहाँ से वो अगली लाइन में, फिर अगली लाइन में, इस तरह से वो इस एकड़ के ये हिस्से बना लेते हैं जो ड्राइवर होता है, तो हिस्सों के अंदर फिर वो काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा, मेरी फील्ड विज़िट कर सकते हैं इस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर बिल्कुल करीब आ चुका है और इसका शोर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आएगी। और ये बिल्कुल पास आ रहा है ट्रैक्टर और ये हाल चाल रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ज़मीन की उतराई हो रही है, क्योंकि इसके नीचे छुरियाँ लगी होती हैं, वो छुरियाँ ज़मीन के ऐसे छोटे छोटे पीस कर देती हैं फिर उनको। तो इसका बिल्कुल अभी ज़मीन जो है भूसे की तरह बिल्कुल बारीक हो चुकी है, मिट्टी जो है बिल्कुल नरम हो चुकी है। इसके बाद आज हम मस्टर्ड को सॉइल करेंगे, ये सॉइलिंग हो रही है तो फिर मस्टर्ड का हम करेंगे यहाँ पे, मस्टर्ड का बीज फेंकेंगे, फिर उसके ऊपर एक बार फिर से हल चलाए जाएंगे ताकि मस्टर्ड के ऊपर मिट्टी आ सके और उनको चिड़ियाँ कौवे वगैरह मस्टर्ड के बीज को उठा ना सकें। ये मस्टर्ड का बीज है कजोला फोर ब्रदर्स का और इसे आज हम काश्त करने लगे हैं। धूप बहुत सख्त है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत धूप है। बीज को फेंकने के लिए एक बैग टाइप चीज़ बनाई जाती है इसी गट्टू के साथ, और वो इस तरह से बनाते हैं। पत्थर को इसके अंदर रख के ना बैग के अंदर ऊपर से धागे के साथ गांठ दे दी जाती है, जिससे कि बाद ये एक अच्छा बैग बन जाता है बीज फेंकने के लिए, खाद फेंकने के लिए। दिख गया था।
भी गिराने लगे हैं। सरसों के बीज को गिराया जा रहा है ज़मीन के अंदर। ये बीज गिराना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है काश्तकारी के अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा बीज गिरा दिया जाए तो जो नीचे से पौधे निकलते हैं बहुत घने निकलते हैं, जिनकी वजह से भी फसल ख़राब होती है, और अगर कम गिराया जाए तो फिर पौधे बनते कम हैं और वो वैसा नुकसान होता है। इसलिए ये एक सोच समझ के प्यार से मोहब्बत से आराम से ये करना पड़ता है बीज गिराना। मतलब कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा गिरा सकता है, ऐसे बीज गिरता नहीं है। धूप देखें कितनी है, सूरज भी आज 7 बजे पे आया हुआ है और धूप में सरसों का काश्त हो रही है। ये थोड़ी देर पहले हमने बांध लगाई है इसके अंदर ताकि पानी उस तरफ ना जा सके। इसको 1 एकड़ को 2 एकड़ में तकसीम किया है, छोटा किया है इसको, इस वजह से।